स्वागत, वेलकम टू क्रिकव्यू चैनल। बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि विजय हजारे की परफॉर्मेंस के बारे में। विजय हजारे में जैसे कि आपने बहुत अच्छे शानदार नॉक्स खेली, 100 भी बनाया, तो अपने हमारे व्यूअर्स को बताओ कि क्या आपने डिफरेंट किया इस बार की जिससे आपने रनों की लाइन लगा रखी है। ऐसे डिफरेंटली तो कुछ नहीं कि आप सीजन से पहले प्रिपरेशन जो होती है आपकी, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि आप अब सीनियर टीम में खेलने वाले हो। तो जो मेरी कुछ चीजें थी जो मैं अपने कोच से बात करता था, अपनी जो फॉल्ट्स थी और आपको हर साल बेटर होना चाहिए, तो उस पर मैंने पूरे साल काम किया। और वनडे में बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी मिडल ऑर्डर के लिए वो ये होता है कि आप सिचुएशन को कैसे खेलते हो जी। तो बस उसी पे ध्यान था। और पहले ही मैच में अच्छी बात ये थी कि जब मैं बैटिंग करने गया तो गौतम भैया मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे, तो थोड़ा मैं नर्वस था उस टाइम पे। रन रेट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए थी पर विकेट हमने लूज कर दी थी, तो भैया ने मेरे को बस यही बोला कि ऐसे खेल के जैसे डेज का गेम है और बस खेलता रहे, बॉलों की कोई टेंशन नहीं है, बॉलों तो खेलता रहे बॉल्स। तो बस उसमें मैंने बॉल्स खेली और उसके बाद फिर थोड़ी देर सेट हुआ तो फिर रन भी आने लगे। तो बस यही बात है। बहुत अच्छी बात है, आपको गौतम से एडवाइस मिल रही है और उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली काम आ रहा होगा मैदान के बीच में जब होते हो। हिम्मत, हमारे व्यूअर्स को ये बताओ कि आपने क्रिकेट स्टार्ट कैसे करी, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में, बिकॉज आप बहुत अच्छा खेल रहे हो बट हम ये चाहेंगे कि व्यूअर्स आपको थोड़ा पर्सनली भी जाने। पर्सनली तो यही है, मैं छोटा था ठीक, मेरे फादर भी स्पोर्ट्स काफी पसंद करते हैं, मेरी बहनें, दो बड़ी बहनें हैं दोनों, वो भी स्पोर्ट्स में ही थी इसीलिए। तो वो मेरी बड़ी बहनें टेनिस खेलती थी, अच्छा, तो मैं भी उनके साथ टेनिस खेलने जाता था लॉन टेनिस का। तो बट फिर लेटर ऑन थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप होता रहा, क्योंकि आपको भी पता ही है इंडिया में क्रिकेट ही हर जगह है। तो बस तो देखते थे, क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को एक सोनेट क्लब में ले गए मेरे को, अच्छा, तो वहां पे, हाँ जी, तारिक सिन्हा जी के पास, तो उन्होंने वहां मेरे को बैट पकड़ना सिखाया। तो मैं मेनली मैं पहले तो फास्ट बॉलर था, अच्छा, तो उन्होंने मेरे को पहले फास्ट बॉलिंग सिखाई, फास्ट बॉलिंग और बैटिंग साथ में करता था। बहुत छोटा था पहले तो, 7 साल का था जब गया था वहाँ पे जी। तो सर ने मेरे पे ध्यान दिया होगा जब मैं थोड़ा 10-11 साल का हुआ हूँ, नहीं तो छोटे में तो सब वही बच्चों में। बस फिर उसके बाद फिर एक के बाद एक बॉलिंग से फिर बैटिंग में आ गया मैं एकदम से, बस ऐसे ही चेंज हुआ, बस ये इंटरेस्ट बना रहा। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी जो सफर था पहले ही से ही आपके पेरेंट्स ने, जैसे आपने डेफिनेटली एक्सप्रेस किया पर आपके पेरेंट्स ने बहुत डिसीजन बहुत अच्छा लिया कि आपको एक सही एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया, बिकॉज बहुत सारे लड़के गलियों में खेलते रह जाते हैं, उनको वो एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता, तो दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग हिम्मत। सो आगे के क्या प्लान्स है, फ्यूचर गोल्स एंड ऑल? फ्यूचर यही है, अभी मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ, लकीली मैं दिल्ली के लिए सीनियर टीम में खेल रहा हूँ, तो बस यही है कि मैं जाता हूँ कि मैं इस टीम का एक इम्पोर्टेंट, एक इंटीग्रल पार्ट बनूं जी, कि टीम, मतलब कि मैं इतना वो हो सकूं कि टीम मेरे पे ट्रस्ट करे जब मैं अंदर जा रहा हूँ कि हिम्मत खेल रहा है तो ठीक है, वी आर स्टिल इन द गेम इवन इफ यू नो वी आर डाउन फ्यू विकेट्स, तो मतलब कि ठीक है, हिम्मत स्टिल देयर। तो मैं, ये एक रिस्पेक्ट होती है और मैं चाहता हूँ मेरी टीम को जितने ज्यादा हो सके उतने मैच जिता सकूं। That's very exciting and very motivating and definitely we wish you all the best. आप ऐसे ही खेलते रहो, थैंक यू सो मच। हम जरूर देखना चाहेंगे कि आप इंडियन टीम में हो। थैंक यू, थैंक यू, श्योर।